हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। आज के इस लेक्चर में हम एसी फंडामेंटल्स एंड सर्किट थ्योरी के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी जेई एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर वन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो रीड करिए ऑप्शंस को। ऑप्शन ए कहता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन हुज इंटरनल रेसिस्टेंस इज जीरो, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी कहता है आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन हुज इंटरनल कंडक्टेंस इज जीरो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी कहता है आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन हुज जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू द अवेलेबल टर्मिनल वोल्टेज, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी कहता है आइडियल करंट सोर्स इज वन हुज इंटरनल कंडक्टेंस इज जीरो, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ देखिए, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स जिसमें जनरेटेड ईएमएफ है ई और इंटरनल रेसिस्टेंस है आरएस एंड टर्मिनल वोल्टेज है वीटी। यदि यह वोल्टेज सोर्स आइडियल हो तो वैसे केस में जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो होगा 0 ओम, यानी कि आरएस जब 0 ओम होगा इसका मतलब इसको हम शॉर्ट सर्किट से डिनोट करेंगे। यहाँ से देखिए ऑप्शन ए में क्या कहता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये कहता है कि इसका इंटरनल कंडक्टेंस 0 है, तो हम देखते हैं इसका इंटरनल कंडक्टेंस क्या होगा। इंटरनल कंडक्टेंस GS विल बी इक्वल टू 1 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स जब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0 ओम, तो ऐसे केस में हम कहेंगे इंटरनल कंडक्टेंस विल बी इनफाइनाइट, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन हुज जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पर देखिए, चूंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 ओम है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो इसलिए जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वही इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा। ओके, तो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, आइडियल करंट सोर्स इज वन हुज इंटरनल कंडक्टेंस इज जीरो, इसमें करंट सोर्स के बारे में कहा है, तो दिस इज करंट सोर्स। और यदि हम आइडियल करंट सोर्स की बात करेंगे तो इन केस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर विल बी जीरो, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इन चारों स्टेटमेंट में से दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू ये कहता है कि एट अ फ्रीक्वेंसी लेस देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसके लिए आप यहां से नोट करिएगा कि इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, यानी कि इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट, यदि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो तो वो सर्किट कैपेसिटिव इन नेचर होता है, जबकि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होने पर वो सर्किट इंडक्टिव इन नेचर हो जाता है। बट इन केस ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ नॉट हो तो सर्किट हमारा इंडक्टिव इन नेचर होता है, और यदि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एफ नॉट हो, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, तो सर्किट कैपेसिटिव इन नेचर होता है। तो यहां देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है कि जब फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो तो वैसे केस में क्या होगा, तो आप यहां से इसे देखिएगा कि लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सीरीज सर्किट कैपेसिटिव नेचर का होता है, जबकि पैरेलल सर्किट इंडक्टिव नेचर का होता है। तो यहां से आप ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में कहता है सीरीज सर्किट इज कैपेसिटिव एंड पैरेलल सर्किट इज इंडक्टिव, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री ये कहता है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्टेज फंक्शन वीटी इज इक्वल टू
200 sin omega t and R is equal to 200 ohm. The average power is given by what? यानी कि इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दिया हुआ है 200 sin omega t और रेसिस्टेंस इज 200 ohm. फिर आपको बताना है कि एवरेज पावर कितना होगा. तो एवरेज पावर विल बी इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इन टू आर. या फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. ओके, यहां से रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का आर एम एस निकालिए. तो रेसिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है दैट इज 200 साइन ओमेगा टी, और जब आप इसका आर एम एस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वी आर एम एस विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय रूट टू. ओके, वी एम बाय रूट टू इज द आर एम एस वैल्यू फॉर अ साइनोसॉइडल फंक्शन. सो हम यहां पर लिखेंगे वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी कि 200 बाय रूट टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 ओम. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 100 वॉट. तो यहां आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी में गिवन है 100 वॉट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कि अ कैपेसिटर विद नो इनिशियल चार्ज एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट एक्ट्स एज विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसके लिए आप नोट करिएगा कि कैपेसिटर एट t is equal to infinite will be open circuited, जबकि इंडक्टर at t is equal to infinite will be short circuited. Okay? यानी कि स्टडी स्टेट पर कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो यहां से आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन डी में गिवन है ओपन सर्किट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है अ नेटवर्क इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. तो यहां देखिए कि कोई भी नेटवर्क लीनियर तभी होगा जब वो होमोजीनियस कंडीशन और सुपरपोजिशन कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करता हो. लेकिन यदि कोई नेटवर्क इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो कहलाता है नॉन लीनियर. ओके, तो ऑप्शन ए में है होमोजेनिटी कंडीशन, ऑप्शन बी में है सुपरपोजिशन कंडीशन, ऑप्शन सी में है ए एंड बी, ऑप्शन डी में है एसोसिएटिव कंडीशन. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि यदि वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो कहलाता है नॉन लीनियर नेटवर्क. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है अ कैपेसिटर विथ इनिशियल चार्ज क्यू नॉट एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस एक्ट्स एज विच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि यदि किसी कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज क्यू नॉट हो तो उसे हम टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे. ये है हमारा क्वेश्चन. तो इसका आंसर होगा दिस कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस एक्ट्स एज अ वोल्टेज सोर्स, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस इस कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करेंगे एक वोल्टेज सोर्स से जिसकी वैल्यू होगी क्यू नॉट डिवाइडेड बाय सी. इतने वोल्ट के एक वोल्टेज सोर्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे इस कैपेसिटर को एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है एट हाफ पावर पॉइंट्स ऑफ अ रेजोनेंस कर्व द करंट इज डैश टाइम्स द मैक्सिमम करंट. यहाँ रेजोनेंस के इस क्वेश्चन में मैक्सिमम करंट की बात किया गया है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन सीरीज रेजोनेंस से रिलेटेड है, यानी कि सीरीज आरएलसी सर्किट का केस है, क्योंकि सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट पॉसिबल हो सकता है. सो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट विल बी आई मैक्स. नाउ अब इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी करंट की कितनी वैल्यू होगी. तो यहाँ देखिए, दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस वन इज ओमेगा 2, ये दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, या फिर इसे 3 dB फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे, या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे. तो इस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी आई मैक्स डिवाइडेड बाय रूट टू, यानी कि
वन बाय रूट टू टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। ओके, तो यहां से आप ऑप्शंस को मार्क कर सकते हैं वन बाय रूट टू, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है आरएलसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 1000 ओम, इंडक्टेंस ऑफ 100 मिली हेनरी एंड अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेरड, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज व्हाट। यहाँ इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि ये आरएलसी सर्किट सीरीज आरएलसी सर्किट है या फिर ये पैरेलल आरएलसी सर्किट है, तो आपको क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए बारी बारी से दोनों को चेक करना पड़ेगा। सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू 1/R रूट अंडर L/C, और पैरेलल आरएलसी सर्किट के केस में क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू R रूट अंडर C/L। तो आप दोनों फॉर्मूले में रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को पुट करिएगा, तो यहां से आपको सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में एक क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मिलेगी और पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए भी क्वालिटी फैक्टर की एक दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो यहां से दोनों वैल्यूज में जो हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल होगा तो आप उस ऑप्शन को मार्क करिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट में इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कब मैक्सिमम होगा, तो यहां से आप नोट करिएगा कि इंडक्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज मैक्सिमम होगा एट फ्रीक्वेंसी मोर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जबकि कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज मैक्सिमम होगा एट ए फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसा कि इस क्वेश्चन में इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज पूछा है मैक्सिमम कब होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे आफ्टर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेकिन यदि यहां पर कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज पूछता कि कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज कब मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए हम लिखते बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, ये होता कैपेसिटर के लिए और ये होगा इंडक्टर के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है अ सीरीज आरएलसी सर्किट ड्रॉज करंट एट लीडिंग पावर फैक्टर एट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। तो यहां से देखिए कि इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट करंट और फ्रीक्वेंसी का कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, जिसमें दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू होगी दैट इज मैक्सिमम, और एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट विल बी रेसिस्टिव इन नेचर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर विल बी यूनिटी। ओके, दूसरा पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये सर्किट कैपेसिटिव इन नेचर होगा, तो कैपेसिटिव इन नेचर होने की वजह से जो इसका पावर फैक्टर होगा दैट विल बी लीडिंग। ओके, तीसरा पॉइंट नोट करिएगा कि फ्रीक्वेंसी मोर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस सर्किट विल बी इंडक्टिव इन नेचर, सो वी कैन से दैट पावर फैक्टर विल बी लैगिंग। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में ये कहा है कि इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट करंट एट लीडिंग पावर फैक्टर एट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। तो इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट यदि पावर फैक्टर लीडिंग हो तो उसके लिए हम कहेंगे कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी कहता है कि लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है कि इन एसी सर्किट द पावर कर्व इज अ साइन वेव हैविंग व्हाट। यानी कि एसी सर्किट में जो पावर कर्व होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बताना है। ओके, तो इसके लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सर्किट प्योरली रेसिस्टिव है और जो सप्लाई वोल्टेज है वो एक साइनसॉइडल फंक्शन है, यानी कि दिस इज सप्लाइड वोल्टेज V। चूंकि ये सर्किट प्योरली रेसिस्टिव है इसलिए इसमें फ्लो करने वाला करंट और सप्लाई वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट का भी कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड पावर कर्व।
तो एज वी नो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाई विद इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, यदि हम वोल्टेज और करंट के कर्व को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पावर का कर्व मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज पॉजिटिव वोल्टेज एंड दिस वन इज पॉजिटिव करंट। तो यहाँ से आप पावर कर्व ड्रॉ करने के लिए लिखेंगे P इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज एंड मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव करंट। सो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसे हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, दिस इज पॉजिटिव V मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव आई। ओके, नाउ नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखिए कि वोल्टेज इज नेगेटिव एंड करंट इज ऑल्सो नेगेटिव, सो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज एंड नेगेटिव करंट जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो पावर मिलेगा दैट विल बी पॉजिटिव। यानी कि सेकेंड हाफ साइकिल में भी पावर का कर्व पॉजिटिव ही होगा। तो हम इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि सप्लाई वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी एफ है और इसका टाइम पीरियड टी है, तो हमें जो पावर का कर्व मिला है इसमें हम देख पा रहे हैं कि टाइम पीरियड हाफ हो चुका है। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ पावर कर्व। तो टाइम पीरियड हाफ हो गया है, इसका मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी इज 2f, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ओके, तो आप ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए में कहता है डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर रेसिस्टिव सर्किट लिया, तो इसलिए वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में आए। यदि आप इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव सर्किट लोगे तो उसमें क्या होगा कि करंट या तो लैग करेगा या फिर लीड करेगा, फिर भी पावर कर्व की फ्रीक्वेंसी आपको 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ही मिलेगी। चाहे आप रेसिस्टिव लोड लीजिए या फिर इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव किसी भी तरह का लोड लीजिए, आपको पावर की फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल ही मिलेगा। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज वैलिड फॉर अ बैलेंस्ड लोड ऑन अ स्टार सर्किट विथ न्यूट्रल कंडक्टर इन अ 4 वायर स्टार सर्किट। तो यहां से आप नोट करिएगा, इन केस ऑफ 4 वायर स्टार सर्किट न्यूट्रल करंट विल बी इक्वल टू आर फेज करंट प्लस वाई फेज करंट प्लस बी फेज करंट। ओके, और यदि 4 वायर स्टार सर्किट में जो लोड हो वो अगर बैलेंस हो तो इन केस ऑफ बैलेंस लोड न्यूट्रल करंट विल बी 0 एम्पीयर। ओके, तो यहां से आप कह सकते हैं कि इन केस ऑफ बैलेंस लोड ऑन स्टार सर्किट IN will be equal to IR plus IY plus IB is equal to 0 ampere। यानी कि ऑप्शन ए में यहां से आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है कि इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू हाफ द करंट विल वॉट। यानी कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए तो उसके करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो यहां से आप देखिए दिस इज अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट जिसे हमने सप्लाई दिया है वी वोल्ट से और जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफ, तो इसमें फ्लो करने वाला करंट विल बी आई। तो एज वी नो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी विल बी इक्वल टू 1/2πfc। ओके, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय XC, यानी कि आप लिखेंगे कि करंट इज इक्वल टू V इंटू 2πfc। ओके, यहां से आप देख सकते हैं कि करंट और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि यदि हम इस फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें, यानी कि इस F को यदि हम F बाय 2 कर दें, तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट की क्या वैल्यू होगी। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें तो सर्किट करंट भी हाफ हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे ऑप्शंस में देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में गिवन है करंट विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है कि इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट
इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू हाफ द करंट विल बी व्हाट। यहां पर प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात किया है, तो इसमें XL विल बी इक्वल टू 2πf(L) और सर्किट में फ्लो होने वाला करंट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय XL। ये सारे वैल्यूज हम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, ओके? तो यहां से करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 2πf(L). यहां से आप देख सकते हैं कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यदि हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट डबल हो जाएगा, ओके? तो यहां से आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन बी में गिवन है करंट विल बी डबल्ड, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है कि एन एसी वोल्टेज इज इम्प्रेस्ड अक्रॉस अ प्योर रेसिस्टेंस ऑफ 3.5 ओम्स इन पैरेलल विथ अ प्योर इंडक्टेंस ऑफ इम्पीडेंस 3.5 ओम्स देन व्हाट अबाउट द करंट, ओके? यानी कि क्वेश्चन में ये कहा है कि 3.5 ओम का एक रेसिस्टेंस है जो कि एक इंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है और इस इंडक्टर का जो इम्पीडेंस है यानी कि ZL वो है 3.5 ओम। तो अब हमें बताना है कि इस रेसिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट और इस इंडक्टेंस में फ्लो होने वाला करंट में क्या रिलेशन होगा, ओके? तो यहां से आप करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग यदि दोनों ब्रांच का इम्पीडेंस सेम हो तो ऐसे केस में दोनों ब्रांच में सेम करंट फ्लो करेंगे, यानी कि यदि इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें भी I1 करंट ही फ्लो करेगा, ओके? क्योंकि दोनों का इम्पीडेंस सेम है। यहां पर रेजिस्टेंस है 3.5 ओम, यानी कि हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू 3.5 ओम और दूसरे ब्रांच में इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है 3.5 ओम, तो यहां हम लिखेंगे कि Z2 इज इक्वल टू 3.5 ओम और चूंकि दोनों इम्पीडेंस सेम है इसलिए दोनों ब्रांच में सेम करंट फ्लो करेगा, ओके? तो देखते हैं अब इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन सी में कहता है बोथ रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस कैरी इक्वल करंट्स, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिंग करंट वैल्यूज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर विद रिगार्ड टू द हीटिंग इफेक्ट इज सेलेक्टेड, यानी कि हीटिंग इफेक्ट के लिए अल्टरनेटिंग करंट के किस वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से दिस विल बी मैक्सिमम करंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट के लिए रेसिस्टर में पावर लॉस का होना जरूरी है एंड पावर लॉस इज इक्वल टू I²R। यहाँ पे ये जो करंट होता है ये RMS करंट होता है, यानी कि हम लिखते हैं कि पावर डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टर इज इक्वल टू I²R। यहां से हम देख पा रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट के लिए अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में RMS वैल्यू को मार्क करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है इफ इम्पेडेंस Z1 इज इक्वल टू 30 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड Z2 इज इक्वल टू 15 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z1 × Z2। यहाँ पर Z1 गिवेन है 30 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड Z2 गिवेन है 15 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 और Z2 का जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो एंगल है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे Z1 × Z2 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लीकेशन विद 15 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यानी कि 450 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ओके? तो यहां से आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए में गिवन है 450 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है द क्वालिटी फैक्टर ऑफ RLC सर्किट, यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए RLC
सीरीज सर्किट विल इंक्रीज इफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसका क्वालिटी फैक्टर रेसिस्टेंस से किस तरह से रिलेटेड है. ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाय आर. यहाँ से आप देखेंगे कि यदि हम रेसिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो इसका क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज इफ रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. ये कहता है अ सीरीज आरएलसी सर्किट हैज रेसिस्टेंस 80 ओम, इंडक्टेंस 100 माइक्रो हेनरी, कैपेसिटेंस 300 पिकोफेराड एंड सप्लाइड वोल्टेज इज 20 वोल्ट. और क्वेश्चन में ये पूछा है कि करंट एट रेजोनेंस विल बी व्हाट. तो जैसा कि हम जानते हैं कि एट रेजोनेंस सर्किट विल बी प्योरली रेसिस्टिव, यानी कि इस सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसल आउट करता है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिस वजह से दिस पोर्शन इज ट्रीटेड एज शॉर्ट सर्किट. तो हमारा सीरीज आरएलसी सर्किट में सिर्फ रेसिस्टर बचता है, इसलिए हम एट रेजोनेंस जब हम करंट फाइंड आउट करते हैं तो आई विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस. यहां पर सप्लाई वोल्टेज गिवन है 20 वोल्ट और रेसिस्टेंस गिवन है 80 ओम. सो वी कैन से दैट आई विल बी इक्वल टू 1/4, यानी कि 0.25 एम्पीयर. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. ये कहता है कि ऑन अ 3-phase बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड सप्लाइड एट 240 वोल्ट एसी द वॉट मीटर रीडिंग्स आर -1710 वॉट एंड 3210 वॉट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट. वैसे तो ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, बट फिर भी हम इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवेन है डेल्टा कनेक्टेड लोड, तो दिस इज डेल्टा कनेक्टेड लोड और जो सप्लाई वोल्टेज गिवेन है दैट इज 240 वोल्ट. चूंकि ये 3-phase सिस्टम है तो जो भी वोल्टेज होगा बाय डिफॉल्ट हम उसे लाइन वोल्टेज कंसिडर करेंगे और जो भी करंट होगा उसे हम लाइन करंट कंसिडर करेंगे, जब तक कि क्वेश्चन में फेज वर्ड मेंशन ना हो. ओके, तो यहां से 240 वोल्ट हम लेंगे लाइन वोल्टेज, तो 3-phase पावर विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज इनटू लाइन करंट इनटू cos phi. नाउ सबसे पहले हमें 3-phase पावर को कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ 2 वाट मीटर मेथड से कैलकुलेट किया गया है और इसकी वैल्यूज हैं -1710 वाट एंड 3210 वाट. तो यहाँ से आप लिखेंगे 3-phase पावर विल बी इक्वल टू W1 + W2, यानी कि दोनों वाट मीटर की रीडिंग को आप ऐड करेंगे, दैट मीन्स 3210 वॉट प्लस -1710 वॉट. तो यहां से आपको मिलेगा 3-phase पावर विल बी इक्वल टू 1500 वॉट. अब हमें 3-phase रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करना है, तो Q3-phase विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ W1 - W2. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो Q3-phase की वैल्यू आएगी 8521.69 वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव. तो यहां से आपको 3-phase एक्टिव पावर मिल गया और 3-phase रिएक्टिव पावर की वैल्यू मिल गया. तो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे पावर फैक्टर एंगल फाई विल बी इक्वल टू 10 inverse Q3-phase डिवाइडेड बाय P3-phase. तो यहां से फाई की वैल्यू आपको मिलेगी 80 degree. फिर आप पावर फैक्टर फाइंड आउट करिएगा cos phi, यानी कि cos 80 डिग्री, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 0.1734. नाउ इस इक्वेशन को आप देखिए, यहां से आपको 3-phase पावर पता है, लाइन वोल्टेज यानी कि 240 वोल्ट पता है, cos phi 1734 पता है, तो यहां से आप लाइन करंट फाइंड कर सकते हैं. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लाइन करंट की वैल्यू मिलेगी 20.8 एम्पीयर. चूंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द करंट, तो हम इसे बाय डिफॉल्ट लाइन करंट कंसीडर करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि द पावर टेकन बाय अ थ्री फेज लोड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से ऑप्शन बी में देखिए कि रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव, यस दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ थ्री फेज पावर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यदि थ्री फेज रिएक्टिव पावर पूछा होता तो ऑप्शन ए रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाइव विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज 20 ओम। इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 100 हर्ट्ज रिएक्टेंस बिकम्स व्हाट। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा है कि एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज 20 ओम एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। नाउ क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि हम इस फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से इंक्रीज करके 100 हर्ट्ज कर दें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की क्या वैल्यू होगी, यानी कि एक्स विल बी व्हाट। तो एज वी नो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2πfc। यानी कि यदि हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब यदि हम फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से इंक्रीज करके 100 हर्ट्ज कर दें तो वैसे केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 20 ओम से रिड्यूस होकर 10 ओम हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी कहता है 10 ओम, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है द अपेरेंट पावर ड्रॉन बाय एन एसी सर्किट इज 10 केवीए एंड एक्टिव पावर इज 8 किलोवाट, देन द रिएक्टिव पावर इन द सर्किट इज व्हाट। यानी कि इस क्वेश्चन में अपेरेंट पावर की वैल्यू गिवन है विच इज एस इज इक्वल टू 10 केवीए और साथ ही एक्टिव पावर पी की वैल्यू गिवन है 8 किलोवाट। तो यहां से ये रिएक्टिव पावर यानी कि क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए हम एक पावर ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे विच इज लाइक दिस, और इस पावर ट्रायंगल में दिस इज एक्टिव पावर पी, दिस वन इज रिएक्टिव पावर क्यू एंड दिस इज अपेरेंट पावर एस। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको पी की वैल्यू पता है 8 किलोवाट और एस की वैल्यू पता है 10 केवीए। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके क्यू की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू विल बी इक्वल टू रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 100 माइनस 64। इट मीन्स रूट अंडर 36। इट मीन्स 6। तो यहां से आपने देखा कि जो रिएक्टिव पावर की वैल्यू मिली वो है 6 KVAR। तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन बी में गिवन है 6 KVAR, यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर इज व्हाट। तो जैसा कि हम जानते हैं एक्टिव पावर पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। यहाँ हम वी इंटू आई को अपेरेंट पावर एस लिख सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि पी इज इक्वल टू एस इंटू कॉस फाइव। तो पी डिवाइडेड बाय एस विल बी इक्वल टू कॉस फाइव, यानी कि रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर इज कॉस फाइव। इट मीन्स दिस इज पावर फैक्टर। तो यहाँ आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी में गिवन है पावर फैक्टर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 26। ये कहता है इन एन एसी सर्किट अ लो वैल्यू ऑफ केवीएआर कंपेयर्ड विथ किलोवाट इंडिकेट्स व्हाट। यानी कि क्वेश्चन में ये कहता है कि किलोवाट, यानी कि क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि किसी एसी सर्किट में किलोवाट के कंपैरिजन केवीएआर की वैल्यू कम हो तो वो क्या इंडिकेट करता है। यानी कि वैल्यू ऑफ क्यू इज लेस देन वैल्यू ऑफ पी, देन वी कैन से दैट फाइ, इट मीन्स 10 इनवर्स क्यू बाय पी विल बी वेरी वेरी लेस, और जब फाइ की वैल्यू बहुत ही कम हो तो पावर फैक्टर इट मीन्स कॉस फाइ की वैल्यू बहुत ही हाई होगी। तो आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन बी में गिवेन है हाई पावर फैक्टर, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर।
यदि इस क्वेश्चन में लो वैल्यू ऑफ केवीएआर की जगह जीरो वैल्यू ऑफ केवीआर गिवन होता तो इन दैट केस पावर फैक्टर विल बी यूनिटी, यानी कि हम ऑप्शन सी को मार्क करते यदि केवीआर की रेटिंग जीरो गिवन होता। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये कहता है द सेफेस्ट वैल्यू ऑफ करंट द ह्यूमन बॉडी कैन कैरी फॉर मोर देन 3 सेकेंड इज वॉट। तो इसे आप याद रखिएगा कि द सेफेस्ट वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू 9 मिलियम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाइल विल हैव लार्ज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट को हाई होने के लिए क्या जरूरी हो सकता है। तो एज वी नो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 1/√LC, या फिर यदि हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हर्ज के रूप में लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2π√LC। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को लार्ज होने के लिए या तो लो इंडक्टेंस क्वाइल होना चाहिए या फिर लो कैपेसिटेंस क्वाइल होना चाहिए। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए, ऑप्शन डी में गिवेन है अ क्वाइल विद लो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू यदि लो हो तो हम कह सकते हैं कि उस सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी हाई। सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ये कहता है अ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ रेसिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय आर एल एंड सी रिस्पेक्टिवली द कॉम्बिनेशन विच हैव डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी आर व्हाट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिस इज अ फ्रीक्वेंसी दिस विल बी इक्वल टू 1/√LC। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1/√LC हैज डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। ये कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस इन RLC सर्किट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि हम जानते हैं एट रेजोनेंस चाहे वो सीरीज RLC सर्किट हो या फिर पैरेलल RLC सर्किट हो, दोनों ही केस में हमारा सर्किट प्योरली रेसिस्टिव हो जाता है, यानी कि हम ये कहेंगे कि एट रेजोनेंस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी इक्वल टू V/R। तो वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस। सो ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ R। सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। ये कहता है टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ अ कैपेसिटिव सर्किट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हम जानते हैं टाइम कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ RC सर्किट विल बी इक्वल टू R×C। तो आप इन चारों ऑप्शंस को रीड करिए, ऑप्शन डी में गिवन है कि टाइम कॉन्स्टेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस। यस टाइम कॉन्स्टेंट इंक्रीज होता है जब रेसिस्टेंस इंक्रीज हो और जब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। ये कहता है टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट इज वॉट। तो एज वी नो इन केस ऑफ RL सर्किट टाइम कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल टू L/R। यहाँ पे यदि हम इंडक्टेंस को इंक्रीज कराएं या फिर रेसिस्टेंस को डिक्रीज कराएं तो हमारा टाइम कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए कहता है टाइम कॉन्स्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ इंडक्टेंस एंड डिक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस। यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। ये कहता है इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एज वी नो इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट एवरेज पावर विल बी जीरो बट रिएक्टिव पावर इज नॉट जीरो। और जब रिएक्टिव पावर जीरो नहीं है तो अपेरेंट पावर यानी कि S इज ऑल्सो नॉट जीरो, क्योंकि S इज इक्वल टू P+jQ। ओके यहाँ पर एक्टिव पावर जीरो है बट रिएक्टिव पावर जीरो नहीं होता है इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट और इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो क्वेश्चन में यदि इंडक्टिव सर्किट हो
या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों ही केस में एक्टिव पावर विल बी जीरो. सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34. ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कॉम्पोनेंट अपोजेज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज, यानी कि इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट है जो कि चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता हो. तो इसका आंसर होगा कैपेसिटेंस, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यदि क्वेश्चन में चेंज इन करंट होता, कहने का मतलब कि कौन ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि करंट के चेंज को अपोज करता है, तो आप आंसर मार्क करते इंडक्टेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. ये कहता है इन एनी एसी सर्किट ऑलवेज, ऑप्शन ए कहता है अपेरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर, इट मींस एस इज ग्रेटर देन पी. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन बी कहता है रिएक्टिव पावर इज मोर देन अपेरेंट पावर, इट मींस क्यू इज ग्रेटर देन एस. नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऑप्शन सी कहता है एक्चुअल पावर इज मोर देन रिएक्टिव पावर, यानी कि पी इज ग्रेटर देन क्यू. एंड ऑप्शन डी कहता है रिएक्टिव पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर, इट मींस क्यू इज ग्रेटर देन पी. तो इन दोनों केस में हम बिना पावर फैक्टर को जाने किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं कि एक्टिव पावर ज्यादा होगा या फिर रिएक्टिव पावर. सो फाइनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. ये कहता है द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन आरएलसी पैरेलल सर्किट इज व्हाट. तो एज वी नो कि सर्किट यदि पैरेलल आरएलसी हो या फिर सीरीज आरएलसी सर्किट हो, एट रेजोनेंस उसका जो पावर फैक्टर होगा दैट विल बी यूनिटी, यानी कि ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 37. ये कहता है द स्क्वायर वेवफॉर्म ऑफ करंट हैज फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, यानी कि एक स्क्वायर वेवफॉर्म का करंट वेवफॉर्म है और इसमें पूछा है कि इस करंट के आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू में क्या रिलेशन होगा. तो यहाँ से देखिए आरएमएस करंट आई आरएमएस विल बी इक्वल टू आईएम एंड आई एवरेज विल बी आल्सो इक्वल टू आईएम. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर वेवफॉर्म करंट का जो आरएमएस वैल्यू होगा और एवरेज वैल्यू होगा बोथ आर सेम. सो ऑप्शन ए को रीड करिए आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू, यानी कि ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38. ये कहता है इन आरएलसी कंटेनिंग आर इज इक्वल टू 4.5 ओम, एल इज इक्वल टू 0.06 हेनरी एंड सी इज इक्वल टू 0.6 माइक्रोफेरड, द पावर फैक्टर विल बी व्हाट. और यहाँ ऑप्शन में गिवन है 0, लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर. तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि जब इस सर्किट में R, L और C तीनों मौजूद हैं, तो इस सर्किट का पावर फैक्टर 0 नहीं हो सकता है. अब सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी हो सकता है, ये कुछ कंडीशन पे डिपेंड करेगा. जैसे कि यदि सर्किट को हम ऑपरेट करा रहे हैं एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो इस सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा दैट विल बी यूनिटी. लेकिन इस क्वेश्चन में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात नहीं किया गया है, इसलिए हम यूनिटी को मार्क नहीं करेंगे. नाउ वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो यहाँ से XL विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू L एंड XC विल बी इक्वल टू 1/ω C. यदि हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज को कंसीडर करें, तो वैसे केस में XL विल बी इक्वल टू 100π × L विच इज इक्वल टू 0.06 हेनरी. सो दिस विल बी इक्वल टू 6π एंड XC विल बी इक्वल टू 1/ω C, इट मींस 1/100π मल्टीप्लाई विथ 0.6×10⁻⁶, इट मींस 10⁶ डिवाइडेड बाय 60π. तो यहां से आप देख सकते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू से बहुत ज्यादा है, यानी कि XC इज मच मच ग्रेटर देन XL एट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज. तो हम कह सकते हैं कि ये सर्किट कैपेसिटिव इन नेचर होगा
और इसलिए इसका पावर फैक्टर विल बी लीडिंग। तो यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन सी में गिवेन है लीडिंग, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। ये कहता है द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द कैपेसिटिव सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच वोल्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए हम एक RC सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें कैपेसिटेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा उसका वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। हम इसे कंसिडर करते हैं वी नॉट, एंड दिस इज द टाइम एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि वन टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो VC will be equal to 63.2% of final value of voltage. तो हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन सी कहता है वोल्टेज राइज टू 63.2% ऑफ इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। ये कहता है पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी जीरो, यानी कि इनमें से किस सर्किट का पावर फैक्टर जीरो होगा। तो ऑप्शन ए कहता है रेजिस्टेंस, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में इसका पावर फैक्टर विल बी यूनिटी। ऑप्शन बी कहता है इंडक्टेंस, यदि हम प्योर इंडक्टिव सर्किट लें तो ऐसे केस में पावर फैक्टर विल बी जीरो। ऑप्शन सी कहता है कैपेसिटेंस, यदि हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट लें तो वैसे केस में भी पावर फैक्टर विल बी जीरो। और ऑप्शन डी कहता है बोथ बी एंड सी, सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। ये कहता है इन अ हाईली कैपेसिटिव सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए, ऑप्शन सी में गिवेन है रिएक्टिव पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। ये कहता है इंडक्टेंस ऑफ अ क्वाइल वेरीज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से आप देखिए कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्वाइल एल विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए डिवाइडेड बाय एल। यहाँ एन है नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू इज परमिएबिलिटी, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक कोर, एंड एल इज द लेंथ ऑफ आयरन पाथ। नाउ ऑप्शंस को रीड करिए, ऑप्शन ए में कहता है कि इंडक्टेंस ऑफ अ क्वाइल वेरीज डायरेक्टली एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक कोर, यानी कि ऑप्शन ए में कहता है एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ऑप्शन बी में कहता है इंडक्टेंस ऑफ अ क्वाइल वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ऑप्शन सी कहता है डायरेक्टली एज द परमिएबिलिटी ऑफ द कोर, यानी कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ऑप्शन डी कहता है इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द आयरन पाथ, यानी कि एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन सही हैं, तो फाइनली हम ऑप्शन ई को मार्क करेंगे एज ए टू डी, यानी कि ए टू डी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। ये कहता है इंडक्टेंस अफेक्ट्स द डायरेक्ट करंट फ्लो, एंड वी हैव फोर ऑप्शंस, यानी कि इंडक्टेंस डायरेक्ट करंट के फ्लो को कब अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए में कहता है ओनली एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑफ, ऑप्शन बी कहता है ओनली एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन, ऑप्शन सी कहता है एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन एंड ऑफ, ऑप्शन डी कहता है एट ऑल द टाइम ऑफ ऑपरेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंडक्टेंस का इफेक्ट डायरेक्ट करंट के फ्लो पर स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने के टाइम पर नजर आता है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। ये कहता है प्योर इंडक्टिव सर्किट कंज्यूम्स विच टाइप ऑफ पावर। सो ऑप्शन ए में कहता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट कंज्यूम सम पावर ऑन एवरेज, यानी कि इसका कहने का मतलब कि इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर कुछ ना कुछ होता है, इट मींस एवरेज पावर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑप्शन बी में कहता है प्योर इंडक्टिव सर्किट डज नॉट टेक पावर एट ऑल फ्रॉम अ लाइन। ऑप्शन सी कहता है प्योर इंडक्टिव सर्किट टेक्स पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ साइकिल
एंड देन रिटर्न बैक इट ड्यूरिंग अदर पार्ट ऑफ द साइकिल, एंड ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट वन हाफ साइकिल में पावर को कंज्यूम करता है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो पावर को डिलीवर करता है, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि एवरेज पावर विल बी इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट और इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि यह सर्किट हाफ साइकिल के लिए पावर एब्जॉर्ब करता है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये अपने पावर दूसरे को डिलीवर करता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। ये कहता है पुअर पावर फैक्टर विल बी व्हाट। ऑप्शन ए कहता है पुअर पावर फैक्टर रिड्यूसेस लोड हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी कहता है पुअर पावर फैक्टर रिजल्ट्स इन मोर पावर लॉस इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यदि पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो तो इक्विपमेंट सप्लाई से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा और ज्यादा करंट ड्रॉ करने की वजह से उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा और पावर लॉस भी ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सी कहता है कि पुअर पावर फैक्टर ओवरलोड्स अल्टरनेटर्स ट्रांसफॉर्मर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी कहता है पुअर पावर फैक्टर रिजल्ट्स इन मोर वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन ई यानी कि रिजल्ट्स इन ऑल अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46। ये कहता है इन अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट इज व्हाट। यहाँ पर आप ऐड करिए कि इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पेडेंस की वैल्यू कितनी होती है। तो एज वी नो कि इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोथ आर सेम, सो दिस विल बी शॉर्ट सर्क्यूटेड। तो इसलिए हम लिखेंगे जेड इज इक्वल टू आर एट रेजोनेंस। ओके, तो अब ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए कहता है मिनिमम, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज मिनिमम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। ये कहता है द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट इज 100 एम्पीयर, इट्स वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन वुड बी व्हाट एम्पीयर्स। यानी कि इस क्वेश्चन में हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट का आरएमएस वैल्यू गिवेन है। यहाँ पर आप लिखेंगे आई आरएमएस इज इक्वल टू 100 एम्पीयर इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पूछा है आरएमएस वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफायर करंट। तो एज वी नो इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वेव फॉर्म विल बी लाइक दिस, दिस इज 0 टू पाई एंड दिस वन इज पाई टू 2 पाई। ओके, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विच इज आई एम। तो यहाँ से आप लिखेंगे इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आई आर एम एस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप साइनोसॉइडल का मैक्सिमम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद आई आर एम एस, यानी कि 2 × 100 दैट मीन्स 200 एम्पीयर। यहाँ से आपको आई एम की वैल्यू पता चल गई विच इज 200 एम्पीयर। नाउ इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर वेवफॉर्म ऑफ करंट विल बी लाइक दिस, दिस इज 0 टू पाई एंड दिस वन इज पाई टू 2 पाई एंड वैल्यू ऑफ दिस इज मैक्सिमम करंट आई एम। तो इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई एम बाय √2। पिछले केस में हमने मैक्सिमम करंट आई एम की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 200 एम्पीयर। सो इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आर एम एस करंट विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय √2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 141.4 एम्पीयर। तो अब ऑप्शंस को देखिए ऑप्शन ए में गिवन है 141.4 एम्पीयर, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। ये कहता है टू साइनोसॉइडल करंट्स आर गिवन बाय I1 एंड I2, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट डिग्री। तो यहाँ पे यदि हम इस एक्सिस को रेफरेंस लें यानी कि 0 डिग्री, तो जो I1 करंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज I1 विच इज 60 डिग्री अहेड ऑफ रेफरेंस एक्सिस, और I2 है
45 डिग्री बिहाइंड ऑफ रेफरेंस एक्सिस। ओके, तो यदि हम I1 I2 के बीच का फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें तो दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी कि 105 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। ये कहता है अ साइन वेव ऑफ वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम ऑफ 200 वोल्ट, हाउ मच इज द वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ 30 डिग्री ऑफ द साइकिल। यानी कि क्वेश्चन में ये कहा है कि एक वोल्टेज वेवफॉर्म है जिसका मैक्सिमम वैल्यू 200 वोल्ट गिवन है, तो इसके 30 डिग्री पे वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि वोल्टेज वेवफॉर्म एक साइनोसॉइडल फॉर्म में है, v इज इक्वल टू 200 साइन थीटा, तो पूछा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी। सो v इज इक्वल टू 200 इंटू साइन थीटा यानी कि 1/2, सो इट विल गिव 100 वोल्ट। तो यहां से आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी में गिवन है 100 वोल्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये कहता है कि फॉर 200 वोल्ट RMS वैल्यू ट्रायंगुलर वेव द पीक वोल्टेज विल बी व्हाट। यानी कि क्वेश्चन में एक ट्रायंगुलर वेव के बारे में बताया है कि इसका जो RMS वैल्यू होगा VRMS इज इक्वल टू 200 वोल्ट। तो हमसे पूछा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू Vmax बताइए कितना होगा। तो Vmax विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VRMS यानी कि √3 टाइम्स ऑफ 200 विच विल गिव 346 वोल्ट। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करिएगा कि साइनोसॉइडल फंक्शन में RMS वैल्यू विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, जबकि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में RMS वैल्यू विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √3 होता है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। लेकिन यदि इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।